तो अब हम बात करते हैं बच्चे थर्ड पार्ट की, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के। देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस में secant थीटा इनटू cosecant थीटा के इक्वल, हमें इसे प्रूफ करना है। सिंपल सी बात है बच्चे, बात समझ में आ गई क्वेश्चन। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी हमारे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री इश्यूज है tan थीटा cos थीटा देखा है, इनको पहले हम sin थीटा और cos थीटा की टर्म्स में मेंशन करेंगे। tan थीटा को आप देख सकते हैं बच्चे sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और ये जो बच्चे tan थीटा हमने ऐसे लिखा उसके डिवाइड में क्या देखा है, 1 माइनस cos थीटा, cos थीटा को हम सकते हैं cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आती है बात बच्चे यहां पर बीच में जो sin हमारा प्लस का देखा है, cos थीटा को हम इस तरीके से cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा की टर्म्स में डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा को हम सेंगे टाइम sin थीटा अपॉन cos। ये बात समझ में आ गई। देखो बच्चे अभी हमने सिर्फ सिंपल से बात करा है, हमने क्या करा tan थीटा को हमने sin थीटा अपॉन cos थीटा टर्म्स में लिखा और cos थीटा को हमने cos थीटा अपॉन sin थीटा के टर्म्स में मैच किया है। ठीक है अब देखिए बच्चे, ओके पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कीजिए, क्या हमारा sin थीटा डिवाइड बाय cos ऑफ थीटा, ठीक है बच्चे, और फिर उसके नीचे डिवाइड में कैसे कैल्सियम लोगे तो क्या आएगा हमारा sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइड बाय sin ऑफ थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो ना बच्चे इसको जब सॉल्व करोगे डिनोमिनेटर पार्ट तो आपको ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। बीच में प्लस का साइन है इसको सॉल्व कीजिए, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin ऑफ थीटा, ठीक है, तो उसको ही cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। क्लियर बच्चे, बात समझ में आ गया तक? हां अभी हमने कुछ नहीं करा बच्चे, अब सिंपल सा हमने इसका कैल्सियम लेके सॉल्व कर लिया, ठीक है, डिनोमिनेटर पार्ट का। ओके अब हम क्या करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो क्या होगा, बस देखिए अभी क्या बच्चे, ये वाला जो न्यूमरेटर पार्ट है ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है कि नहीं, ये जो नीचे वाला डिवाइड में जो पार्ट आता है डिनोमिनेटर के, ये चले जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में और ये आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई। देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, sin थीटा मल्टीप्लाई में sin थीटा हो जाएगा हमारा डिवाइड हो जाएगा cos थीटा मल्टीप्लाई में sin थीटा माइनस cos ऑफ थीटा। समझ में आई बात? ये आई ना बात अच्छी, तो पता है ना आपको ये जो पार्ट आपका है नीचे वाला डिनोमिनेटर में, ये जो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो क्या होगा, ये वाला पार्ट ऊपर चल जाएगा और ये वाला पार्ट जो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया? सिमिलरली यहां पर भी होगा, इसको हम लिखेंगे cos थीटा मल्टीप्लीकेशन में cos थीटा डिवाइड में क्या होगा, sin थीटा मल्टीप्लाई में cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है ओके, बात समझ में आ गई थी? क्लियर हो गया? अभी तक हमने सिंपल सी बात है tan थीटा cos थीटा को फॉर्म में लिखा sin और cos के टर्म्स में, उसके बाद हमने एलसीएम लेके वैसे प्रोग्रेस करके हमने सॉल्व आउट कर दिया। यहां तक तो कांसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में बच्चे, ये तो जो हमारा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइड में ये लाइन बनाना है, ठीक, तो ये तो साइन स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा cos थीटा मल्टीप्लाई में sin थीटा cos थीटा स्टूडेंट्स प्लस में ये हो जाएगा cos का थीटा डिवाइड में sin थीटा इनटू में cos थीटा माइनस sin थीटा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चे आपको? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब हम क्या करेंगे इसको बच्चे सॉल्व करने के लिए, देखो ये भी एक फ्रैक्शंस में पार्ट है, ये भी एक फ्रैक्शंस में पार्ट है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में पहले हम एलसीएम लेते हैं देन सॉल्व करते हैं। अब देखो होगा क्या इसमें, सिंपल सी बात बच्चे बात सुनो, यहां क्या दोनों क्या एलसीएम में, यहां पर cos थीटा इनटू में sin थीटा माइनस cos थीटा है, यहां पर क्या sin थीटा मल्टीप्लाई में cos थीटा माइनस sin थीटा है, क्या चीज बच्चे है, तो चीज ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, बस sin का फर्क है। अगर मैं यहां से माइनस को बाहर निकाल दूं, अगर मैं इस टर्म में से माइनस को बाहर निकाल दूं तो होगा कि ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, होगा कि होगा, हो जाएगा ना। अगर मैं इनमें से माइनस को कॉमन निकाल दूं तो क्या होगा बच्चे, माइनस जो बाहर निकलेगा तो ये तो जो नेगेटिव जो पॉजिटिव वाला था
वो आपका नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव वाला आपका पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गया? देखो अब आपके लिए क्या होगा, एलसीएम निकालो इजी हो जाएगा। देखो कैसे नीचे एलसीएम देखो, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, साइन थीटा मल्टीप्लीकेशन में कॉस थीटा। क्लियर बात समझ में आई बच्चे? अब देखो ये वाला पार्ट देखो और ये वाला पार्ट देखो, जो हमने माइनस कॉमन निकाला दोनों सेम है, तो उसको हम सीधे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बच्चे, बात समझ में आ गई? और ये क्या माइनस आपका बाहर कॉमन है, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो अभी क्या बच्चे, देखो इसके जो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, इसके डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट था, तो ये वाला पार्ट अगर हम छोड़ दें तो बेसिकली होगा क्या, इससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाला पार्ट, साइन क्यूब थीटा। पता है ना बच्चे, पहले हम एलसीएम लेते हैं है ना, कराओ ना आपने, फिर जो आपको ये वाला फ्रैक्शन वाला पार्ट से डिनोमिनेटर से उसको एलसीएम को डिवाइड करते हैं, जो बचता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो होगा माइनस साइन, क्यों लगेगा माइनस का साइन, क्योंकि बच्चे जो माइनस हमने निकाला था कॉमन, ठीक है बच्चे, जो माइनस हमने कॉमन निकाला था वो बेसिकली क्या हो जाएगा, इस साइन को चेंज कर देगा। नहीं समझ में आ रही? हमने क्या करा बच्चे, देखो डिनोमिनेटर जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के टर्म्स में लाने के लिए इसको हमने माइनस बाहर निकाला। अब ये जो माइनस हमारा साइन था ये बेसिकली क्या करेगा, इस पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा, तो हमने यहाँ पर साइन लिख दिया। सिमिलरली बच्चे जब हमने इसको डिवाइड कर देखो, अब इसको भूल जाते हैं, अब देखो इससे इसको डिवाइड करें तो हमें बचेगा क्या, कॉस थीटा बचेगा, तो ये हमारा कॉस क्यूब का थीटा, कॉस क्यूब ऑफ थीटा। अरे जहां तक समझ में आ गया है, बात समझ में आ गया अब तक? ओके अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखो बच्चे साइन क्यूब थीटा माइनस में कोस क्यूब थीटा हमें दे रहा है। क्लियर है? आपने बच्चे कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी अलजेब्रा में, है ना, पॉलीनोमियल्स वाला चैप्टर पढ़ा था आपने क्लास नाइन्थ में, तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, कौन सी वाली, ये वाली पढ़ी थी हमने, एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब। ठीक है, ये होता है बेसिकली किसके बराबर, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स इंटू वाई। ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, पढ़ी थी ना बच्चे, आपने ये आइडेंटिटी जो है क्वेश्चन जब सॉल्व किए थे तो आपने देखा होगा क्लास नाइन्थ में, ये एक आइडेंटिटी थी बाबा, है ना, यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो होता है हमारा एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। क्लियर हो गया? अब देखो बच्चे यहां पर एक चीज देखो, क्या ये साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा इस तरीके से नहीं है, इस आइडेंटिटी की तरह नहीं है, नहीं है, बात समझ में आ रही है? तो यानी कि साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा को अगर हम ऐसे नहीं ले सकते, देख सकते हैं, तो ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक नोट करिए। अब आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं किस तरीके से, इस तरीके से, कैसे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, एक्स हमने साइन मान लिया और वाई को हमने कोस थीटा मान लिया। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या, एक्स स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में वाई स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस में एक्स वाई यानी कि साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई? ओके देन अब नीचे जो डिवाइड में हमें क्या देखा था बच्चे, साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस इंटू थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब बच्चे पास सुनो मेरी, ध्यान सुनो बात, यहां पर भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई में और नीचे भी हमारा डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा मल्टीप्लिकेशन है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा देखो। और दूसरी बार आपने बच्चे एक आइडेंटिटी पढ़ी थी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, उसको हम ऐसे लिखते हैं वन प्लस में साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा। कोई दिक्कत यहां पर बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है? और डिवाइड में क्या बच्चा हमारे पास, साइन थीटा मल्टीप्लीकेशन में कोस थीटा, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, बात समझ में हो गई? क्लियर? ओके अब हम ये बच्चे देखो, सुनो अब हम इसको बच्चे स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट कैसे, देखो वन प्लस में साइन थीटा कोस थीटा है तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं वन अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? लिख सकते हैं इसको हम ऐसे। ठीक है, तो बच्चे आपको समझ में आ गया तक, क्योंकि हमने पहले क्या करा बच्चे, हमने इसको सॉल्व आउट करके इस तरीके से निकाला और हमें एक आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई करी, तब हमारे पास तरीके से सॉल्व होकर आंसर इतना आ गया। क्लियर हो गया? अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सेम है यहां पर जो हुआ। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा
वन अपॉन में साइन थीटा बेसिकली क्या होता है बच्चे, क्या होता है ठीक है, वन अपॉन में साइन थीटा, वन अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाई में, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, हम लिख सकते हैं क्या कोसेकेंट थीटा, और कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम सेकेंट थीटा प्लस में वन। और यही हमें प्रूफ करना था, वन प्लस सेकेंट थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा, वन प्लस सेकेंट थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा थीटा कोसेकेंट थीटा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है ठीक है, इसका मतलब हैंस प्रूफ है ठीक है। कोई डिफिकल्टी नहीं थी, बस एक चीज ध्यान रखिए बच्चे आपने यहाँ पर जो है ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखनी है, एंटिटी आपने मेंशन करनी है, दूसरी एंटिटी यहाँ पर यूज किया आपके साइंस का थीटा प्लस में कोस का थीटा वाला।